नमस्कार, आदाब, हेलो मेरे प्यारे मित्रों। तो बताइए, आज मैं आपको कहाँ लेकर चल रही हूँ? आज हम नीले आसमान के नीचे, नीले पानी के तटों पर, JBR बीच दुबई में लेकर चल रही हूँ। तो क्या हम सिर्फ बीच पे टहलने जा रहे हैं? जी नहीं, वहाँ हम कुछ शॉपिंग भी करेंगे। तो चलो देखते हैं JBR बीच मार्केट दुबई में क्या क्या मिलता है, कितनी अनोखी चीज़ें मिलती हैं, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलो मेरे साथ शॉपिंग करने, वो भी बीच पर, खुले आसमान के नीचे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि JBR बीच जो दुबई का सबसे खूबसूरत और अनोखा बीच है, जो कि बहुत ही अपनी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है और काफ़ी सारे लोग यहाँ आया करते हैं, और सर्दियों में तो ये बीच बहुत ही ज़्यादा प्यारा हो जाता है, काफ़ी रौनकदार हो जाता है। तो इस बीच पर स्पेशल मार्केट्स लगते हैं, वो मार्केट मैं आज आपको दिखाऊंगी कि उधर क्या क्या मिलता है, आप क्या ख़रीद सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे, बोहेमियन स्टाइल के कपड़े मिल रहे हैं, और बीच पे जो चीज़ें यूज़ कर सकते हैं या ले सकते हैं, वो चीज़ें मिल रही हैं, और बहुत ही अनोखी हैंडीक्राफ्ट्स और की चीज़ें मिलती हैं। आसपास के जो लघु उद्योग होते हैं, या जो दूसरे देशों से लोग आकर जो अपने घर पे बनाते हैं हैंडीक्राफ्ट्स, आर्ट्स, वैसी टाइप की चीज़ों के छोटे छोटे कियोस्क, वुडन कियोस्क हैं, जहाँ बहुत ही अलग अलग प्रकार की चीज़ें मिलती हैं, जो कि आपको मॉल में देखने को नहीं मिलेगा। आप ये देखिए बीच का नज़ारा, दिन भर लोग यहाँ मस्ती करते हैं, बहुत ही प्यारा बीच है ये। ये देखिए, खुला आसमान है, नीला पानी है, कितना नीला पानी है, और यहाँ ये साइड में शॉपिंग भी है। तो आप अपना बीच पे मस्ती कर सकते हैं और साथ में कुछ शॉपिंग कर सकते हैं, जो कि थोड़ी अलग टाइप की शॉपिंग होती है, जो आपको बहुत ब्रांडेड शॉप्स या मॉल्स में नहीं मिलेगी। जैसे कि बच्चों के रंगीन कपड़े, बोहेमियन स्टाइल के कफ्तान्स, फ्रॉक्स, लेडीज़ के, गर्ल्स के बैग्स, बैम्बू बैग्स, पाम ट्रीज़ की जो लीव्स होती हैं उनके प्रोडक्ट्स, जो बीच में काफ़ी कॉमन यूज़ होते हैं, वैसे हैट्स, पेंटिंग्स, आर्ट का काफ़ी सामान आपको मिलेगा, जो हाथों से बनाया जाता है, और सोवेनियर्स मिलेंगे, जो कि दुबई से रिलेटेड या UAE से रिलेटेड सोवेनियर्स हैं। कुछ फंकी टाइप के कपड़े भी मिलेंगे, क्योंकि बीच यानी फंकी वेयर भी वहाँ काफ़ी पहना जाता है, तो आपको ग्लोइंग टी शर्ट्स, ग्लोइंग हैट्स, इवन जैसे कि आजकल मास्क भी काफ़ी प्रसिद्ध हैं, पहनते हैं और अनोखे मास्क पहन रहे हैं, तो वैसे मास्क मिलेंगे। ये देखिए हैट्स, देखिए कितने प्यारे हैट्स मिल रहे हैं, तरह तरह के फैशनेबल हैट्स, जो कि मॉल में आपको एक या दो या मतलब बहुत ही स्पेसिफिक शॉप पे मिलेंगे। यहाँ हैट्स और कैप्स की लाइन से शॉप हैं, और जो कुछ जो कैप्स हैं वो तो ग्लोइंग कैप्स हैं। ये देखिए कप्स, होम डेकोर आइटम्स भी मिलेंगे, जो कि हैंडीक्राफ्ट हैं, मतलब कि औरतें जो घर पे बनाती हैं, या जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज़, लघु उद्योग होते हैं, वो जो अपने कारीगरों से हैंडमेड टाइप की चीज़ें होती हैं, उसकी ये शॉप्स मिलेंगी। ये देखिए फंकी आइटम्स मिल रहे हैं यहाँ पर, कैप मिल रही हैं, ग्लोइंग शर्ट्स मिल रही हैं। ऐसे ही यहाँ पर JBR वॉक है, ये वॉक मतलब बीच तक ले जाता है आपको। ये यहाँ पर रेस्टोरेंट्स हैं और लोग यहाँ पैदल चलते हैं, साइड में छोटी छोटी शॉप्स होती हैं जहाँ की ये प्यारी प्यारी चीज़ें मिलती हैं। देखिए कफ्तान्स हैं जो एम्ब्रॉयडर्ड हैं, और अरेबिक ज्वेलरी है, बेली डांस वाली ज्वेलरी भी है, और ये देखिए टैटू जो हैंड पे मेहंदी, वैसे आर्टिस्ट भी बैठे रहते हैं अगर आपको बनवाना हो, बहुत सारे टाइप के फ्लोटर, स्विमिंग ड्रेस, फंकी आइटम्स, और ये देखिए अलग अलग कफ्तान, ये लाइन से शॉप हैं। यही रास्ता बीच की ओर ले जाता है हमें, यही रास्ते पर भी शॉप्स हैं और साइड में बीच पर भी शॉप्स हैं। तो ये देखिए प्यारे प्यारे साबुन, हैंडमेड साबुन मिलेंगे, जो कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिक टाइप की चीज़ों से घर पे ही बनाए जाते हैं, या छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ में बनाए जाते हैं वो। गाउन्स मिलेंगे, अरेबिक ड्रेसेस मिलेंगी, काफ़ी प्रकार का हाथ से बनाया हुआ सामान आपको यहाँ मिलेगा। बार्गेनिंग भी यहाँ काफ़ी कॉमन रहती है, अब ये आपके ऊपर है कि आप कितना बार्गेन करके सामान ले लें। रीज़नेबल होता है, बहुत महंगा नहीं होता है, पर यह आपके ऊपर है कि आप कैसे पसंद करते हैं और क्या बार्गेनिंग करके लेते हैं।
और पूरा मार्केट सेफ है, बीच भी आप देख सकते हैं कितना रौनकदार और सेफ हो रहा है। ये देखिए फंकी टी शर्ट्स मिल रही हैं जो रात में ग्लो करती हैं, मतलब ये लाइट वाली। ऐसे मास्क भी मिलेंगे जो रात में ग्लो करेंगे, और ज्वेलरी मिलेगी जो आपको हैंडमेड तभी बना के दे देंगे, जैसे आपको अपना नाम कर लिखवाना है, आपको अपना नाम एनग्रेव करवाना है। देखिए वाइट कलर के गाउन्स मिल रहे हैं, कफ्तान्स मिल रहे हैं, बीच ड्रेसेस मिल रही हैं, इवन देखिए चप्पल्स मिल रही हैं बहुत ही फंकी स्टाइल की, जो भी कहते हैं ना रिट्रो फंकी बोहेमियन टाइप का फैशन है वो पूरा ये बीच मार्केट में आपको देखने को मिलेगा, जो जनरली मॉल्स में नहीं मिलता है या ब्रांडेड शॉप्स पे नहीं मिलता है। और ये 1-to-1 पीस रहता है, जैसे कि आप लेंगे तो वैसा डुप्लीकेट आप किसी और के पास नहीं देखेंगे, और थोड़ा यूनिक भी हो जाता है क्योंकि जगह जगह से दूसरे देशों से आकर लोग अपनी आर्ट शो करते हैं, कुछ यूएई के हैं कुछ बाहर के देशों से आए हैं अपने इस तरीके के प्रोडक्ट्स लेकर यहाँ पर डिस्प्ले करने के लिए। ये देखिए बहुत लाइन से शॉप्स हैं, एक तरफ रेस्टोरेंट्स हैं और एक तरफ शॉप्स हैं। जेबीआर बीच आप मेट्रो ट्राम से भी आ सकते हैं या आप टैक्सी से भी आ सकते हैं, या यहाँ पार्किंग भी काफ़ी सारी है वो भी कर सकते हैं। अब ये देखिए रात का नज़ारा देखिए जेबीआर बीच का कितना रौनकदार है, काफ़ी सारे लाइट्स से इल्यूमिनेट किया है इस जगह को, वो आप देख ही सकते हैं मार्केट रात में कितना अच्छा लग रहा है। रात में भी जेबीआर बीच घूमने लायक है, पूरी शॉप्स रात के 10 बजे तक खुली रहती हैं, ये आप देख सकते हैं। मैं फिर से आपको रात में यहाँ लेकर आई हूँ, जैसे कि मैंने सुबह का व्यू दिखाया था वैसे ही अब मैं रात का दिखा रही हूँ कि रात में भी शॉप्स में किस तरीके से रौनक रहती है। अभी ग्लोइंग शर्ट्स हैं उस तरफ आप देख रहे हैं, तो सारे हैंडमेड प्रोडक्ट्स हैं, ज़्यादातर हैंडीक्राफ्ट्स और हाथों से जो बनाया जाता है, एम्ब्रॉयडरी करी जाती है टॉयज़ बच्चों के, या कफ्तान्स गाउन्स फ्रॉक्स जो हैंड स्टिच्ड होते हैं, जो ब्रांडेड नहीं होते लेकिन पर एक अलग ही स्टाइल का एक फैशन एक अलग आर्ट होती है दूसरे देशों की, वो आपको यहाँ देखने को मिलेगी। ये देखिए कितना प्यारा शॉल मिल रहा है, फ्लोटर्स भी मिलेंगे, बीच के टाइप के फंकी गॉगल्स भी मिलेंगे आपको, बीच वेयर भी मिलेगा, और बच्चों के लिए काफ़ी सारे टॉयज़ मिलते हैं, परफ्यूम्स मिलेंगे अरेबिक स्टाइल के, अरेबिक सोविनियर्स मिलेंगे, और काफ़ी घर को सजाने वाली बैम्बू प्रोडक्ट्स मिलेंगे। देखिए द बीच मार्केट ये सर्दियों में लगता है, ये जनरली अक्टूबर से स्टार्ट होता है और अप्रैल फर्स्ट या सेकेंड वीक तक रहता है, ये ओपन मार्केट है तो आप देख ही सकते हैं, सुबह 10 बजे खुल जाता है रात के 10 बजे तक रहता है। अलग अलग शॉप्स हैं, मतलब टोटे बैग्स, अलग जो फैशनेबल बैग्स होते हैं बैम्बू वाले वो यहाँ बहुत प्यारे मिलते हैं, वैसे क्लचेस बैग्स फ्रॉक्स हैट्स उस टाइप की चीज़ें आप देख सकते हैं, चप्पल्स जो बीच पर पहनी जाती हैं वो बहुत ही यूनिक मिलती हैं, बीच वाले जो ऊपर से ड्रेस पहनते हैं एक तरीके से कह सकते हैं थोड़ा बहुत आपको हिप्पी फैशन भी इसमें झलक दिखाई देगी, हिप्पी रिट्रो बोहेमियन फैशन उसकी अलग झलक दिखाई देगी। ये देखिए ग्लोइंग कैप्स हैं, ये रात में चमकेंगी, ये टी शर्ट्स भी ग्लोइंग टी शर्ट्स हैं, आप चाहें तो कस्टमाइज़ करवा सकते हैं, अपने नाम की भी टी शर्ट बनवा सकते हैं। मॉडर्न गाउन्स भी मिलेंगे पर ये अलग फैशन डिज़ाइनर से डिज़ाइंड होकर, ये देखिए स्विम वेयर कितने प्यारे मिल रहे हैं क्योंकि ये पर्सनलाइज्ड आइटम्स हैं जो कि पर्सनली किसी डिज़ाइनर ने अपने आप बना के यहाँ बेचते हैं ये छोटे से मार्केट में। ये देखिए लैंप्स मिल रहे हैं, घर को सजाने की चीज़ें मिल रही हैं, सोविनियर्स मिल रहे हैं वो भी हैंडक्राफ्टेड हैं। ये देखिए बैग्स कितने प्यारे हैं, स्टोरेज आइटम्स हैं, बास्केट्स हैं, यहाँ शोपीस हैं, ये बहुत ही प्यारा प्यारी चीज़ें मिलती हैं। यहाँ देखिए कप्स हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, कस्टमाइज भी करा सकते हैं, इवन आप अपना नाम भी एनग्रेव करा सकते हैं ज्वेलरी पे। ये पेंटिंग्स देखिए, तो घर के सजाने की भी चीज़ें मिलती हैं, छोटे बच्चों के टॉयज़ भी मिलते हैं, और लड़कियों की काफ़ी सारी ड्रेसेस हैं, और एसेसरीज बहुत अच्छी मिलती हैं, सब थोड़ी डिफरेंट स्टाइल की मिलेंगी। ये देखिए ये सोवेनियर शॉप पे आ गए हम, और इवन जो घर पे हम साबुन बनाते हैं वो साबुन भी मिलते हैं ऑर्गेनिक टाइप के, जो कि नेचुरल रेमेडीज़ वाले भी मिलते हैं जो कि आपकी स्किन से। ये देखिए घर सजाने की कितनी प्यारी चीज़ें मिल रही हैं, क्रिसमस ट्री भी आ गया, क्रिसमस का भी लग रहा है कि जैसे कि माहौल आने वाला है क्योंकि ये सर्दियों में होता है मार्केट, तो फिर इसमें काफ़ी कुछ क्रिसमस डेकोर भी आपको दिखाई देगा। परफ्यूम्स की शॉप आ गई, और ये देखिए गॉगल्स, बहुत ही फंकी स्टाइल के गॉगल्स मिलते हैं बीच पर। ये फिर से घर को सजाने वाली चीज़ें आ गई, ये आप देख सकते हैं कि जो कि मॉल्स में काफ़ी मुश्किल से मिलेंगी। ये सोवेनियर टी शर्ट्स आ गई, साथ में बैग्स भी आ गए प्यारे प्यारे। ये देखिए बीच रात में इस तरीके का दिखता है, काफ़ी इल्यूमिनेटेड है, बहुत सेफ है।
और यहाँ पर ट्राम मेट्रो दोनों ही अप्रोच है आपको आने के लिए। साइड में सारे 5-स्टार रिसॉर्ट्स हैं, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, जहाँ आप स्टे भी कर सकते हैं और रात को बीच मार्केट में टहल कर कुछ शॉपिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक अलग ही अनुभव होता है भी, समुद्र की प्यारी प्यारी हवाओं के साथ शॉपिंग करना और यहाँ पास में रेस्टोरेंट में ही खाना खा के वापस अपने होटल में जाना, या फिर जो लोकल्स हैं वो भी यहाँ शॉपिंग करने जब आएंगे तो रात को टहलने के लिए ये जगह काफ़ी अच्छी है। साथ में शॉपिंग भी आपकी हो जाती है, या बड़ी अनोखी चीज़ें देश विदेश की आपको देखने को मिलती हैं, या आप देख ही सकते हैं यहाँ पर। तो आप मुझे बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपको JBR बीच मार्केट पे अनोखी चीज़ें दिखी कि नहीं दिखी, और क्या आप शॉपिंग करने आएंगे कुछ अलग टाइप की बोहेमियन शॉपिंग करने? तो चलो फिर से देखिए ये वीडियो और बताइए कमेंट में मुझे कि आपको क्या अच्छा लगा इस शॉप इस अब आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, पसंद कीजिए। बाय बाय।